अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मेरा आज का फर्स्ट ब्लॉग ये है कि हम जा रहे हैं गुलशन अदीत से कुलमलीर। ठीक है, और अभी मैं खड़ी हूँ शेल पंप पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी का डीज़ल फुल करवा रहे हैं, टैंक फुल करा रहे हैं ताकि हमें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। और दूसरा आप देख सकते हैं कि हम अपने साथ सेफ करके भी ले जा रहे हैं, वो इसलिए कि क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा डीज़ल नहीं मिलेगा और जो हमारी गाड़ी का इंजन ख़राब कर सकता है, तो हम अपने लिए साथ लेकर जा रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमें आगे डीज़ल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपको इस वीडियो में हम दिख बताएँ। तो सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हम पाक बलूचिस्तान अभी इन हो चुके हैं और हमारा आधा सफ़र तो यहीं पूरा हो गया क्योंकि हम घर से बहुत लेट निकले थे और हम आपको रास्ते में मिलते रहेंगे और वीडियोस दिखाते रहेंगे। हम आपको कुलमलीर का पूरा मंजर और पूरा रास्ता आपको इसी वीडियो में बताएंगे और हम अपना मीटर भी आपको शो कराएंगे। तो फाइनली गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमारा सफ़र जो है रवा दवा कुलमलीर की तरफ, हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है और कितना खूबसूरत रास्ता है। और इसी वीडियो में मैं आपको अपना मीटर भी शो कराऊंगी, आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है और कितना सफ़र तय कर चुकी है, सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में शो कराएंगे। और आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा और कितना अच्छा लगा, क्योंकि हमने तो बहुत इन्जॉय किया। तो अगर आप लोग भी जाएं तो इन्जॉय कीजिएगा। और आप इस टाइम हमारा मीटर देख सकते हैं कि कितना चल चुका है, कितना नहीं चला, हम आपको शो करा रहे हैं। इस वजह से क्योंकि हम निकले थे सुबह 10:30 बजे घर से। ठीक है, रास्ते में हमें मतलब कुछ खाने को तो मिला बट हल्का फुल्का। और दूसरा ये कि हम अपनी गाड़ी का, आपको जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में कि स्टार्टिंग में कि हम अपना जो टैंक था घर से फुल करा कह सकते हैं, यहाँ पर हार्ट भी अवेलेबल है और आपको चाहिए तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हाल है इस टाइम कुलमलीर का। और हम निकले थे घर से 10:30 बजे और हमें बेसिकली काफ़ी टाइम लग गया, वो इसलिए कि क्योंकि हम रास्ते में रेस्ट करते आए, थोड़ा कहीं रुके कभी कहीं रुके, तो साथ में फैमिली थी तो इन्जॉय करते आए। तो सो आप देखें कि बहुत खूबसूरत जगह ये। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपका मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।